नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो बात करने वाले हैं हम SJVN की, सत्तर जल विद्युत निगम लिमिटेड की। आपको बता दें इनके तरफ से फाइनल डिविडेंड की घोषणा हुई थी, 55 पैसे का आपको पर इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड की घोषणा हुई थी। उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट नहीं दिया गया था, तो वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेट भी दे दिया गया है अभी, और पेमेंट की डेट भी दिया गया है। तो हम आगे चल के इसमें टेक्निकल चार्ट पे भी चल के देखेंगे कि कहाँ से हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। जो लास्ट वीडियो बनाया था वहाँ पे कैसे हमारा सपोर्ट काम किया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला जहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे हैं। तो अभी 31 रुपए 25 पैसे के आसपास आपको SJVN कामकाज कर रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.5% का आपको डिविडेंड यील्ड है, और इसी साल की बात करें तो 2022 में ही आपको फरवरी में 1 रुपए 15 पैसे का आपको एक डिविडेंड दिया जा चुका है। तो ये दूसरा डिविडेंड रहेगा इस साल का, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लास्ट डिविडेंड कंसिडर किया जा रहा है। अब चलिए लेटर में जाके देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या नोटिफाई किया गया है। तो ये आज का एक लेटर आपको इशू करके बताया गया है कि इनके तरफ से जो 55 पैसे का डिविडेंड की घोषणा थी उसके लिए आपको इसकी रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर 2022 की रखी गई है। तो आप 20 सितंबर 2022 तक अगर परचेस करते हैं इस शेयर को तो आपको इसमें डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। लेकिन हमें टेक्निकल चार्ट पे कैसे कामकाज करना है वो चल के देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम जिस तरह से हमने कामकाज करना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था 27 रुपए 15 पैसे पे अगर ये वीकनेस आती है तो आपको नीचे की तरफ 25 रुपए 75 पैसे के आसपास ये सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्टली देखिए यहीं पे आपको इसमें सपोर्ट आते हुए दिखा है, 25 रुपए 75 पैसे से इंट्राडे में लो नीचे तक है ना 50 पैसे तक लगाया है, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ से बाउंस बैक किया। ऊपर की तरफ जो 27 रुपए 15 पैसे का रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ा, ऊपर की तरफ मैंने टारगेट दिया था आपको 29 रुपए 30 पैसे का, एग्जैक्टली वहीं पे जाके इसने दो बार रहना है डबल टॉप लगाया है। जो ये रेजिस्टेंस था 29 रुपए 30 पैसे का, इसको काटते हुए ऊपर एक ही कैंडल में इसको फिनिश किया, और साथ ही साथ आपको जो सेकंड टारगेट मैंने दिया था यहाँ से वो 31 रुपए 20 पैसे का वो भी कंप्लीट किया, और जो थर्ड टारगेट था वो भी आपको 32 रुपए का यहाँ पे आपको आते हुए दिखाया। देखिए PSU स्टॉक में मैं लेवल टू लेवल जाने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें एक तरह से फिक्स तरीके से कामकाज मैं ज़्यादातर देखता हूँ। जितने भी स्टॉक जो भी PSU से रिलेटेड होते हैं, जो मैं लेवल रखता हूँ अपने लिए भी, वो ज़्यादातर उसको अचीव करता है। अगर ऊपर की तरफ प्रेशर है तो वहाँ पे है ना आपको रेजिस्टेंस आके दिखेगा, नीचे की तरफ अगर सपोर्ट है तो वो सपोर्ट को बखूबी यहाँ पे कामकाज होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं या आपको जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जो सिर्फ डिविडेंड के लिए प्ले करते हैं उन लोगों के लिए फेवरेबल स्टॉक जो भी PSU का रहता है उसमें लेवल टू लेवल काम बहुत अच्छे से होता है। तो आपको भी वैसे ही कीजिएगा तो आपको भी आगे जाके कामकाज में फायदा मिलेगा। अभी आपको कामकाज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी इसने 32 के लेवल पे एक बार आपको यहाँ पे टेस्ट किया, ये ब्रेक नहीं किया है, नीचे की तरफ ये वापस से आपको 29 रुपए 30 पैसे के आसपास ये आपको सपोर्ट लेने आएगा। तो बाइंग आपको 29 रुपए 30 पैसे पे बनाना है। जब तक आपको 29 रुपए 30 पैसे का अगर सपोर्ट बना हुआ है तभी आपको बाइक करना है, अदरवाइज इसको एकदम अगर ये 29 रुपए 30 पैसे के नीचे जाकर 29 के नीचे कामकाज करने लगे बिल्कुल छोड़ देना है, वापस से इसको 27 रुपए 15 पैसे के आसपास आने देना है, उसके बाद ही हम बाइक को इनिशिएट करेंगे। अगर 29 रुपए 30 पैसे पे अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो ऊपर की तरफ आपको 31 रुपए 20 पैसे का पहला आपको टारगेट, उसके बाद इसमें 32 रुपए पे नज़दीक में ही टारगेट है 32 रुपए का, अगर 32 निकलता है तो आपको 34 रुपए के थोड़ा व्यू आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, आपको 2-3 महीना भी निकल सकता है, तब तक आप बैठ सकते हैं 2 रुपए के लिए ऊपर के लिए 34 रुपए के लिए आपको बैठना है। तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग व्यू में लेके आपको इसमें कामकाज करना पड़ेगा, अदरवाइज 32 इसका फाइनल ही टारगेट रहेगा। तो इसमें जो खरीदारी करनी है वो गिरावट के बाद ही करनी है, अदरवाइज अभी इसमें कहीं पे भी आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि ये 32 और 34 के बीच में ऊपर नीचे का ये कामकाज करे और अचानक से इसमें एक गिरावट भी आ सकती है जो कि आपको 29 रुपए 30 पैसे तक ले जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर आपको मेरे लेवल्स अगर सही लगते हैं काइंडली कमेंट करके बताएं कौन से स्टॉक में आपने लेवल से काम किया है और जिसमें आपको फायदा हुआ है, काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस तरह से मेरे लेवल्स आपके लिए फायदेमंद हो रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।